Okay. हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रसल चैटर। तो ऐसा लग रहा है कि इस बार का जो समर स्लैम पेपर व्यू है ना, वो परफॉर्मेंस सेंटर में होगा, ना ही वो एरेना में क्राउड के सामने होगा, बल्कि WWE इसके लिए बिल्कुल ही डिफरेंट सी लोकेशन प्लान कर रही है। क्यों है गाइस? रैंडी होटन सबसे ज्यादा सेक्सी। WWE चैंपियनशिप के लिए आने वाले महीनों में WWE ने क्या कुछ प्लान किया है, इसको लेकर गाइस एक मेजर अपडेट है। इस हफ्ते क्या रही डायनामाइट और NXT की व्यूअरशिप। एडम कोल के साथ एक नई कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट हो चुकी है, सेथ रॉलिंस का एक इंटरेस्टिंग कॉमेंट, जिसकी वजह से एक बार फिर से फैंस ने उनको जो है सोशल मीडिया के ऊपर घेरना शुरू कर दिया, और कैसे AEW ने रिप्लेस कर दिया WWE को। तो गाइस ऐसी काफी सारी अपडेट्स होने वाली वीडियो के अंदर, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो होगी, आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई अभी के भी सब्सक्राइब बटन प्रेस कर दो और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दो, ताकि आपको ऐसी वीडियो जो है अपने YouTube फीड पर देखने को मिलती रहे। और गाइस सबसे पहले हम लोग शुरुआत कर लेते हैं इस हफ्ते डायनामाइट और NXT की व्यूअरशिप से। अब आपको पता ही है, रिसेंटली जिस तरीके से क्रिस जेरिको ने बखेड़ा खड़ा किया रेटिंग्स के मामले में, अब ये चीज और भी ज्यादा फैंस नोट करने लगे कि किस हफ्ते डायनामाइट जीता, किस हफ्ते NXT जीता। और गाइस इस हफ्ते की अगर मैं आपको बात बताऊं तो बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से डायनामाइट के शो ने NXT को बीट कर दिया है। सबसे पहले अगर मैं आपको डायनामाइट की व्यूअरशिप बताऊं तो पहले से ये 7% बढ़ चुकी है, और इस हफ्ते डायनामाइट के शो को व्यूअरशिप मिली 8,45,000। लेकिन बात करें NXT की, तो उनकी व्यूअरशिप जो है वो पहले से 3% घट चुकी है, और इस हफ्ते NXT के शो को सिर्फ मिले 6,15,000 व्यूअर्स, और 37% डायनामाइट के शो की व्यूअरशिप NXT से ज्यादा है। तो मतलब अभी से कुछ टाइम पहले NXT जीत रही थी, लेकिन फिर भी डेमोग्राफिक के अंदर हर बार AEW उनको बीट करता है, और अब ओवरऑल हर तरीके से यहाँ पर डायनामाइट की शो की व्यूअरशिप बहुत ज्यादा ऊपर जा रही है NXT से। और ये चीज हमको क्लियर बताती है कि वेंसडे पर जो रेसलिंग फैंस हैं वो डायनामाइट के शो को देखना ज्यादा पसंद करते हैं, अनलेस एंड अनटिल WWE NXT के शो में WWE कुछ बहुत बड़ा धमाका नहीं फोड़ रही। तो भाई क्रिस जेरिको को देखकर तो लग रहा है कि इस समय बहुत ज्यादा खुश होंगे, स्पेशली जितनी ज्यादा रेटिंग्स के बड़े मार्जिन से उन्होंने इस हफ्ते NXT को बीट किया है। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं, और गाइस ये जुड़ी है मंडे नाइट मसाया सेथ रॉलिंस से। और गाइस आपको पता है, सेथ रॉलिंस ने पास्ट में कुछ ऐसे ट्वीट वगैरह किए थे, मतलब उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही थी सोशल मीडिया के ऊपर, जिसकी वजह से फैंस ने उनको घेर लिया था। उसके बाद उनका हील टर्न हुआ, और फिलहाल जो चीजें वो काफी स्मूथ चल रही थी। लेकिन एक बार फिर से सेथ रॉलिंस ने एक, आप लोग कह सकते हो, कॉन्ट्रोवर्शियल सा ट्वीट किया, जिसके ऊपर फैंस अब बातें करना शुरू कर चुके हैं। सेथ रॉलिंस ने अपने ट्वीट में लिखा, आई डोंट नो इफ देयर इज एवर बीन दिस मच इनक्रेडिबल रेसलिंग गोइंग ऑन एट वन टाइम, और उन्होंने इस वाले टाइम को द गोल्डन एज ऑफ प्रो रेसलिंग कहा, जैसे कि आप लोग यहां पर हैशटैग देख सकते हैं। अब इसके बाद लोग सेथ रॉलिंस को कमेंट कर रहे हैं कि भाई पैंडेमिक चल रहा है, तो उनको कैसे लग सकता है कि ये प्रो रेसलिंग का सबसे बेस्ट टाइम है। तो गाइस शायद सेथ रॉलिंस यहां पर ये कहना चाहते हैं कि वीकली बेसिस पर जो रेसलिंग है वो बहुत ज्यादा, जैसे हमको AEW के शो देखने को मिलते हैं, यहां पर WWE का शो है, इसके बाद इंपैक्ट रेसलिंग, पूरे हफ्ते जो रेसलिंग है वो काफी ज्यादा होती है, तो शायद यहां पर सेथ रॉलिंस ये कहना चाह रहे हैं। लेकिन फैंस उनको यहां पर अलग ही अलग बातें गिनाने लग जा रहे हैं, जैसे कि एटीट्यूड एरा की बातें की जा रही है, उस टाइम को याद किया जा रहा है जब WWE को लोग बहुत ही ज्यादा पसंद करते थे। तो एक बार फिर से सेथ रॉलिंस का ये ऐसा ट्वीट है जिसके बारे में फैंस को ऐसा लगा है कि शायद सेथ रॉलिंस यहां पर गलत हैं। लेकिन अब मेरे को नहीं लगता कि इस वाले ट्वीट का ज्यादा कोई असर पड़ने वाला है सेथ रॉलिंस के ऊपर, क्योंकि ऑलरेडी WWE टेलीविजन पर इस समय जो सेथ रॉलिंस का कैरेक्टर है वो हील वाला है, तो अगर उनको यहां पर फैंस उनके अगेंस्ट टर्न भी हो जाते हैं तो कुछ बड़ी चीज तो होने नहीं वाली, और वैसे भी क्राउड के सामने तो रेसलिंग हो नहीं रही है, तो जो रिएक्शन वाली बात है वो तो यहां कहीं आने वाली है नहीं। तो ये सेथ रॉलिंस का ट्वीट है। बाकी आपको क्या लगता है सेथ रॉलिंस के ट्वीट के बारे में, क्या आप भी सेथ रॉलिंस की बातों से सहमत हो, मुझे आप लोग कमेंट करके जरूर बता सकते हो। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं, और गाइस ये जुड़ी है फॉर्मर NXT चैंपियन एडम कोल से। और गाइस एडम कोल के साथ कुछ ऐसा हुआ है जो कि बहुत ही ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल है, और ये चीजें हमको यूजुअली देखने को मिलती नहीं है। अब हुआ क्या मैं आपको बताता हूं। जो एडम कोल थे वो गेस्ट थे पैट मैकेफी के शो के ऊपर, जहां पर बातें हो रही थी रेसलिंग के बारे में, अच्छा वो NXT चैंपियन है, क्या हुआ कैसे हुआ। लेकिन गाइस इस पूरे इंटरव्यू के अंदर एक पॉइंट पर ऐसी चीज होती है जिसने एडम कोल को बहुत ही ज्यादा ऑफेंड कर दिया, और गाइस वो बात थी उनके साइज को लेकर। उन्होंने कहा कि मैं लॉन्गेस्ट रेनिंग NXT चैंपियन हूं, उसके बाद अनडिस्प्यूटेड एरा की बात होती है कि कैसे उनकी वजह से भी एडम कोल को हेल्प मिली। लेकिन जैसे ही उनकी साइज के ऊपर बात आती तो गाइस यहां पर एडम कोल हो गए बहुत ही ज्यादा पागल, वो गुस्से में आ गए, उन्होंने माइक को साइड किया और वो सीधा जाके पैट मैकेफी के सामने खड़े हो जाते हैं। यहां पर उनका एक को होस्ट भी होता है जिसको गाइस एडम कोल ने धक्का भी लगा दिया, यानी बहुत ज्यादा गुस्से में वो थे और कुछ गाली गलौज करके वो यहां से चले जाते हैं, जिसके बाद जो पैट मैकेफी है वो भी हो जाते हैं परेशान कि भाई अभी ये क्या हुआ, ये कैसा बंदा है, इसने ऐसी हरकत कैसे कर दी। तो गाइस इसके बारे में सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ही ज्यादा बातें हो रही हैं, इवन लोग तो यहां पर ये भी कह रहे हैं कि नहीं शायद हो सकता है ये चीज रियल ना हो बल्कि एक वर्क हो, ताकि इसके ऊपर जो है फैंस की अटेंशन लाई जा सके। अभी अगर मैं आपको बताऊं तो इसे देखकर मेरे को तो कहीं से भी पता नहीं चल रहा कि क्या ये चीज रियल है या फिर ये स्क्रिप्टेड है, क्योंकि अगर ये स्क्रिप्टेड है तो भाई एक्टिंग तो लाजवाब है, और रियल है तो भाई फिर होगी ही ऐसी चीज, क्योंकि सच में अगर एडम कोल को गुस्सा आया होगा तो उनका ऐसा ही रिएक्शन निकलेगा। तो देखो भाई आगे क्या होता है, एडम कोल ने ऐसी हरकत करी है, वेल इसके अगेंस्ट जो है फैंस बोल भी सकते हैं, लेकिन अगर ये वर्क है तो फिर यहां पर फैंस कंफ्यूज भी है। बाकी आपको क्या लग रहा है इस चीज को देखकर, क्या ये चीज रियल में हुई होगी या फिर ये स्क्रिप्टेड थी,
मुझे आप लोग कमेंट करके जरूर बता सकते हो। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और गाइस ये जुड़ी है WWE एंड AEW से, जिनके बीच अब कंपटीशन शुरू हो ही चुका है आपको पता है जब से AEW कंपनी आई है। और गाइस एक ऐसी इंटरेस्टिंग चीज हुई है पहली बार जिसकी वजह से शायद WWE को लग रहा होगा कि हाँ भाई AEW सच में हमारे लिए दिक्कत है। वैसे पास्ट में बहुत सारी चीजें हो चुकी हैं लेकिन WWE की जो प्रोग्रामिंग है, मतलब इटली के अंदर स्काई नेटवर्क था जो कि WWE के प्रोग्रामिंग को दिखाता था, लेकिन गाइस क्योंकि WWE उनसे बहुत ज्यादा चार्ज करती थी और उनको इतनी व्यूअरशिप उतनी रेटिंग्स नहीं ला पा रही थी, तो गाइस उन्होंने WWE के प्रोग्रामिंग को ड्रॉप कर दिया है और उन्होंने मन बनाया कि वो AEW के शो को लेंगे। और गाइस जुलाई के एंड से WWE की जगह अब इटली में जो स्काई नेटवर्क है वो AEW के शोज को दिखाने वाला है। मतलब यहां पर AEW ने सीधा सीधा WWE को रिप्लेस कर दिया इटली में स्काई नेटवर्क से और उनको लग रहा है कि अगर हमको अपने टेलीविजन के ऊपर रेसलिंग दिखानी है तो हम WWE की रेसलिंग नहीं दिखाएंगे जो कि ज्यादा हमको पैसे भी उनको देने पड़ते हैं और वो रेटिंग्स भी नहीं लेके आ पाते, इससे बढ़िया हम लोग AEW के शो को दिखाएंगे जिससे हमारे चैनल पर जो है रेसलिंग भी हो जाएगी और हमको उसके ज्यादा पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। तो गाइस इस तरीके से सीन हुआ है स्काई नेटवर्क के साथ जब उन्होंने सीधा सीधा WWE की जगह अब AEW के शो को प्रेफर करना शुरू कर दिया। मुझे नहीं पता कि क्या बात विंस मैकमैन को पता चली है लेकिन पता चलेगी तो शायद जरूर उनके दिमाग की जरूर हिल जाएगी। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और गाइस ये जुड़ी है द वाइपर रैंडी ओर्टन से और क्यों रैंडी ओर्टन है सबसे ज्यादा सेक्सी। अब आपको जरूर लग रहा होगा मैं यहां पर क्या बात कर रहा हूं, रैंडी ओर्टन कैसे सेक्सी है, किस चीज को लेकर मैं बोलने वाला हूं। तो गाइस यहां पर रूसेव आपको पता है इस समय आप WWE के साथ तो काम नहीं कर रहे बल्कि वो वीडियो प्लेटफॉर्म्स के ऊपर काफी ज्यादा एक्टिव हैं, YouTube के ऊपर भी वो काफी ज्यादा एक्टिव हैं। तो यहां पर उन्होंने एक बहुत ही पुराने डिस्कशन को शेयर किया जहां पर उन्होंने कहा जब हम यूरोप के टूर पर थे तो हमारी बात चली कि कौन WWE के अंदर सबसे ज्यादा सेक्सी है जो कि सभी को अट्रैक्ट करता है और यहां पर जो हमारे नॉमिनीज थे वो रैंडी ओर्टन थे, वो जेफ हार्डी थे, वो शिंसुके नाकामुरा थे, सबको लेकर अलग अलग बातें हो रही थी लेकिन एंड में जो विनर थे वो बने रैंडी ओर्टन की, वो है सेक्सीएस्ट WWE सुपरस्टार क्योंकि उनको हर कोई पसंद करता है फिर चाहे वो मेल हो फिर चाहे वो फीमेल हो और रैंडी ओर्टन डिजायरेबल है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और फनी से कॉन्वर्सेशन को शेयर किया रूसेव ने और इससे हमको पता चलता है कि भाई जब अलग अलग टूर पे लोग जाते हैं तो बहुत सारी इनके बीच इंटरेस्टिंग बातें होती हैं और फिर यही इंटरेस्टिंग बातें हमको या तो किसी इंटरव्यू से या फिर इस तरीके की वीडियो से जानने और सुनने को मिलती हैं। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और गाइस ये जुड़ी है WWE चैंपियनशिप से, आने वाले महीनों में WWE चैंपियनशिप के साथ क्या कुछ करने वाली है। तो गाइस यहां पर एक बहुत बड़ी चीज रिवील हुई है जो कि फिलहाल एक स्पेकुलेशन है बट ये एक रियलिटी में बदल सकती है और गाइस चीज ये है अभी आपको पता है ड्रू मैकइंटायर WWE चैंपियन है और ये भी प्लान है WWE का समर स्लैम के लिए कि रैंडी ओर्टन और ड्रू मैकइंटायर का मैच होगा और वहां पर रैंडी ओर्टन बन सकते हैं WWE चैंपियन। ऑब्वियसली इसके पीछे का रीजन आपको पता होगा कि रैंडी ओर्टन इस समय तगड़े मोमेंटम पर है और शायद WWE इसको नहीं तोड़ना चाहेगी और इससे फायदा ये भी होगा कि जब एज वापस आएंगे तो एज और रैंडी ओर्टन की जो फ्यूड है वो WWE चैंपियनशिप के लिए भी हो सकती है। और उसके बाद गाइस मैंने आपको एक Q&A वीडियो के अंदर बताया था कि कैसे एज के WWE चैंपियन बनने का चांस है क्योंकि WWE उनको ऑफर कर सकती है उनके रिटर्न के बाद एक और WWE चैंपियनशिप के लिए टाइटल रेन। और गाइस अब आप लोग ड्रू मैकइंटायर के बारे में भी सोचोगे कि फिर उनका क्या होगा, तो गाइस WWE पॉसिबली उसके बाद जाकर ड्रू मैकइंटायर के साथ ये कर सकती है कि उनको फैंस के सामने उनका मूवमेंट मिलेगा क्योंकि आपको पता है ड्रू मैकइंटायर चैंपियन तो बने रेसलमेनिया के अंदर लेकिन वहां पर क्राउड नहीं था तो उनको उनका रेसलमेनिया का जो मूवमेंट है वो नहीं मिल पाया, तो हो सकता है WWE फिर से कहानी घुमाए और ड्रू मैकइंटायर को फैंस के सामने उनका मूवमेंट देने के लिए इस तरीके से वो चीजें चला सकती है। इससे फायदा ये भी होगा कि रैंडी ओर्टन के पास भी चैंपियनशिप चली जाएगी, एज के पास भी चैंपियनशिप चली जाएगी, रैंडी ओर्टन और एज की जो फ्यूड है उस पर अगर स्टेक्स हाई होंगे तो फैंस को देखने में और भी ज्यादा मजा आएगा। तो गाइस फिलहाल ये एक स्पेकुलेशन है WWE चैंपियनशिप के रिगार्डिंग कि आगे WWE क्या कुछ प्लान कर सकती है। वेल सुनने में तो ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग आइडिया लग रहा है क्योंकि इस चीज को देखकर ऐसा कहीं से भी लग रहा है कि यहां पर कुछ गलती है क्योंकि हर सुपरस्टार को कुछ ना कुछ यहां पर फायदा जरूर हो रहा है। वेल क्या आप लोग ऐसा देखना चाहोगे चैंपियनशिप के साथ, मुझे आप लोग कमेंट करके जरूर बता सकते हो। और गाइस इसी के साथ हम लोग चलते हैं हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ जो कि जुड़ी है समर स्लैम से। अब गाइस मैंने आपको बताया था कि WWE कैसे बहुत ज्यादा कोशिशें कर रही थी पहले कि समर स्लैम में कैसे भी करके क्राउड आ जाए लेकिन अब ये चीज नहीं हो पाई, तो WWE ने अब गाइस ऑफिशियल अनाउंसमेंट के अंदर बता दिया है कि जो समर स्लैम है वो बॉस्टन के अंदर तो नहीं होने वाली, जिन जिन लोगों ने टिकट्स खरीदी थी उनको कैसे रिफंड करना है उसकी डिटेल्स भी WWE ने जो है निकाल दिया। अब आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि भाई अगर क्राउड के सामने या फिर एरेना में नहीं हो रहा तो फिर इसका मतलब WWE प्लान कर रही है समर स्लैम परफॉर्मेंस सेंटर के अंदर। तो गाइस मैं आपको बता दूं अभी WWE ने कुछ भी लॉक तो नहीं किया है लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं कि वो एक आउटडोर इवेंट करवाएं समर स्लैम, यानी वो चीज परफॉर्मेंस सेंटर में नहीं होगी ना ही वो क्राउड के सामने होगी बल्कि WWE एक नया वेन्यू प्लान करेगी जो कि पॉसिबली एक आउटडोर लोकेशन हो सकती है। और गाइस अगर किसी आउटडोर लोकेशन से समर स्लैम पेपर व्यू होता है तो इसकी फील बिल्कुल अलग होगी। वैसे ही हम लोग पक चुके हैं परफॉर्मेंस सेंटर के अंदर से बार बार WWE के शोज को देखते हुए और वैसे भी जब WWE के रेगुलर शोज चलते थे तो वो इंडोर स्टेडियम के अंदर होते थे जहां पर एरेना वगैरह WWE बुक करती थी, लेकिन परफॉर्मेंस सेंटर में क्योंकि WWE नहीं करवाना चाहती तो अगर आउटडोर लोकेशन के लिए उनको कोई एक सही जगह मिल जाती है तो गाइस इस बार का जो समर स्लैम पेपर व्यू है उसके अंदर आपको एक बहुत ही अलग लुक एंड फील देखने को मिलेगी और हो सकता है इसकी वजह से हमको समर स्लैम जो पेपर व्यू है वो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने लगे।
क्योंकि आपको पता है पैंडेमिक के चलते बहुत सारी चीजें ऐसी भी हुई हैं जो कि पॉजिटिव रही, जैसे कि हमको सिनेमैटिक मैचेस देखने को मिले, और हो सकता है ये आउटडोर लोकेशन का प्लान भी इसी कुछ लिस्ट में शामिल हो जाए। तो गाइज आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि अगर आउटडोर लोकेशन से होता है किसी खुले मैदान में अगर होता है समर स्लैम तो फिर आपके इसके बारे में क्या थॉट्स हैं। ये गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक के बिना कहीं मत जाना और चैनल को कर लो सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन ताकि आपको हमारे चैनल पर इसी तरह से प्रो रेसलिंग से जुड़ी सारी बातें जानने को मिलती रहे। सो सी यू गाइज इन माय नेक्स्ट वीडियो।